अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह सुबह तो आज मैं नहीं, मेरे बेटियाँ काम कर रही है, बड़ी वाली बेटी काम कर रही है। क्या करूँगी अभी, मैं तो बेड से उठ नहीं पाऊँगी। मुझे रेस्ट करने के लिए कहा गया है, तो इसलिए हस्बैंड तो सुबह को खाना बना के, मतलब अभी खा रहे खाना, और मैं थोड़ा बाद में खाऊँगी। मैंने अभी चाय और बिस्कुट खाए हैं। तो मेरे बड़ी वाली बेटी अभी घर थोड़ा सा साफ़ करेगी, और वही सब करेगी, क्योंकि कौन करेगा अभी, कोई नहीं है। और ईद के टाइम है ना, कोई काम करने वाले भी नहीं मिल रही है यहाँ पे, काम करने वाली कोई इतना फट से नहीं मिलता है। तो अभी बहुत ज़रूरी है कि मुझे कोई काम करने वाला मिल जाए, लेकिन हस्बैंड ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा कोई। क्या करेंगे पता नहीं, अभी कैसे चलेंगे। मुझे तो पूरा मतलब मना किया हुआ है, और बहुत दिन रेस्ट करने के लिए बोला गया है। अभी क्या करेंगे देखते। तो वही बेटी, मेरी बड़ी वाली बेटी अभी सुबह को घर वर साफ़ कर लिया है, और ये घर झाड़ू लगा रही है, और अभी टिफ़िन भी बनाएगी, अभी खुद खाएगी, अपना खाना भी बनाएगी। बस क्या करेंगे, अभी ऐसे ही चलना पड़ेगा जितने दिन मैं ऐसे, जब तक मेरा ठीक नहीं हो जाता। तो अभी बड़ी वाली बेटी अभी अपना मतलब ब्रेकफास्ट बना रही है, वो खाना नहीं खा पाती सुबह को। तो उसके लिए मैं कभी कभी ऐसे रोटियां बना देती हूँ, या फिर टिफ़िन देती हूँ, तब रोटियां रहता तो वो खा लेती है। लेकिन अभी तो रोटी भी नहीं, वो रोटियां नहीं बना सकती, वो ऐसे ही मतलब आटा को गोल कर ना रोटियां बनाती है। तो वही बना रही है, उसको अच्छा लगता है, थोड़ा सा चीनी दे के ना उसको अच्छा लगता है ये बनाना। तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा पहले से उसको सिखाया हुआ है कि कभी कोई मतलब ऐसे मुसीबत आए तो मतलब वो बना सके खुद से, अपने हाथों से बना के वो खुद कर सके। उसका पापा है साथ में देख रहे हैं, क्योंकि गेस्ट है ना, तो वो बनाती है तो पास साथ में रहते हैं, और क्या कैसे करती है वो देखते हैं। तो बस अभी वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेगी, बना रही है अभी। वो बहुत अच्छे से बना नहीं पाती, क्योंकि उसने कभी बनाया नहीं। एक दिन बनाया था, वो भी मतलब अच्छे नहीं बना था, फिर भी वो कोशिश कर रही है कि वो बना ले, क्योंकि उसको ये अच्छा लगता है खाने में। मैं तो अच्छे से बना देती हूँ लेकिन उसको नहीं आता, फिर भी वो ट्राई कर रही है, क्योंकि उसके पापा कितना करेंगे, और वो काम पे भी जाना पड़ता है, फिर इतने दिन जिम भी बंद हो गया हस्बैंड का। तो ये देखिए बना लिया है, तो ये देखिए उसे बनाया है, ऐसे ही खाएगी लाल चाय के साथ। तो अभी ये टिफ़िन बन रहा है, तो उसने मतलब आमलेट, और उसके पापा ने मतलब कल ब्रेड लेके आए थे, ये ब्राउन ब्रेड, तो उसके साथ ही लेके जाएंगे। मैं होती तो रोटी वगैरह देती, लेकिन अभी ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। तो वही सुबह को अभी वही बना रही है। तो उसने देखिए ये टिफ़िन में, ये उसका टिफ़िन है बड़ी वाली का, और ये छोटी वाली का टिफ़िन है, उसमें भी ऑमलेट देगी। तो बस ऐसे ही दोनों का यही टिफ़िन है, लेके जाएंगे अच्छे से, सुबह को खाना खा के जाएंगे तो उतना भूख नहीं लगेगा उन लोग को। तो ये अभी छोटी वाली का ऑमलेट बनाएगी। तो इन लोग ये सब खा नहीं पाते, ये ब्राउन ब्रेड, ये ऑमलेट, क्योंकि मैं अलग तरीके से बना देती हूँ उन लोग को, ये तो उन लोग को आएगा नहीं। फिर भी क्या करेंगे, अभी तो खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि रोज़ रोज़ मतलब बाहर से खाना कुछ लेके ख़रीद के देना तो वो अच्छा नहीं है, और उन लोग को पेट भी नहीं भरता है। इसलिए मैंने कहा कि ये सब लेके जाओ, तो फिर भी पेट तो भरा रहेगा। तो वही बना रही है अभी। तो ये छोटी वाली का भी टिफ़िन दे दिया उसने, कितना अच्छे से बनाया है इसने, क्योंकि ना थोड़ा बहुत आज सीखा है, इसलिए वो कर पा रही है। अगर नहीं सीख पाती तो कुछ भी नहीं कर पाती, कैसे करते मुझे पता भी नहीं अभी। तो ये मेरा हस्बैंड ने, मैंने खाना दे दिया है मुझे, क्योंकि अभी खाना का, मैं सुबह को खाना ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन खाना पड़ता है, बहुत सारे मेडिसिन दिए हुए हैं, तो वो सब खाना खाने के बाद ही खाना पड़ता है। तो ये सिंगी मछली लाए थे, क्योंकि मेरे शरीर में कुछ भी ताकत नहीं बचा, तो इसकी वजह से वही सिंगी मछली खाने के लिए बोला गया है। तो उससे सुबह को हस्बैंड बना देते हैं, जोहा राइस के साथ खा रही हूँ। और बच्चों को भी मतलब बाल वगैरह बांधने में ना मैं ही बांधती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा बैठना पड़ा, ऐसे बैठने के लिए मुझे मनाई किया हुआ है अभी 10 दिन तक, मतलब ऐसे बैठने के लिए मनाया गया। अब क्या करेंगे, कितना ऐसे मैं बैठी रहूँगी, बच्चे लोग अच्छा भी नहीं लगता। उसका बाल वगैरह तो मैं ही बनाती हूँ,
उन लोग को आता नहीं है बाल बनाना, तो ये छोटी बड़ी वाली तो जैसे भी करके बांध लेती है, छोटी वाली को तो बांधना पड़ता है, वही बांध रही है अभी उसको, अभी स्कूल जाएंगे। तो अभी बड़ी वाली ने तो खा लिया था रोटी वगैरह, तो छोटी वाली अभी खाना खा रही है, उसको मैं खाना ही खिला के भेजती हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा सा मतलब खाना खा के जाएगी तो उसको इतना भूख नहीं लगेगा। बड़ी वाली तो मतलब उसका नहीं खाने से भी होता है सुबह को खाना। तो अभी उन लोग निकले हैं अभी स्कूल के लिए, तो जा रहे हैं अभी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ये देखिए नमाज पढ़ने, तो मुझे खाना खिलाकर दोपहर का टाइम है अभी, तो हस्बैंड भी जल्दी जल्दी मतलब शॉप पे गए थे, आके फिर मुझे खाना खिलाया, खाना बनाया मुझे खिलाया, फिर अभी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। आज तो जुम्मा है, आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो मैं तो बिस्तर से उठ नहीं पाती, मैं ऐसे सुबह से ऐसे ही हूँ, क्योंकि मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए कहा गया है, उठने को भी मना किया, ऐसे मुझे पकड़ के सिर्फ बाथरूम और बेड बस यही हूँ। इसलिए मैं कल का ब्लॉग भी नहीं आया था मेरा, क्योंकि क्या शूट करूँगी, बच्चे ऐसे कर रहे हैं सब, और हस्बैंड बच्चे मिलकर ही घर के काम कर रहे हैं, क्योंकि ईद गया है ना, तो काम करने वाली कोई कोई मिल भी नहीं रही, तो वही देख रहे हैं हम लोग, काम करने वाली तो अभी चाहिए, नहीं तो कैसे घर का काम होगा। बहुत तकलीफ़ हो रहा है बच्चे लोग, मेरे बड़ी वाली बेटी आप लोगों ने देखा है कि स्कूल जाने से पहले वो उसने सब किया, टिफ़िन भी बनाया, उसने अपना खाना भी बनाया, हस्बैंड ने फिर मेरा खाना बनाया, उनका खाना बनाया, अभी फिर से दोपहर का के खाना बनाया। तो ऐसे चल रहा है, क्योंकि ईद में ना सब लोग घर जाते हैं, गांव में चले जाते तो यहाँ पे ना कोई मिलता नहीं है काम करने वाली। तो अभी आएंगे तो हमने आज बोला है देखते एक को, देख नहीं तो मतलब घर ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है घर, मतलब ऐसा ही, मतलब सुबह को थोड़ा सा बहुत मेरी बड़ी वाली बेटी ने साफ करके गई थी, बस ऐसा ही है, कोई क्या कौन करेगा। अभी हस्बैंड भी मतलब मुझे देखना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, और शॉप में भी नहीं जाएंगे तो घर का कैसे खर्च चलेगा, शॉप में भी बैठना पड़ता है, ऐसे भागादौरी में ऐसे जा रहा है। तो मेरा क्या हुआ वो तो मैं आप लोगों को आज तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि ना मुझे इतना बोलने के लिए मना किया हुआ है, कि मेरा अलग है, ये मेरा जो ऑपरेशन हुआ ना अलग है, तो मुझे सिर्फ रेस्ट करने के लिए बोला है, 10 दिन के बाद मेरा पट्टी हटाएंगे, मुझे जो आप सिलाई किया वो मतलब ऑपरेशन वो जगह में वो जो पट्टी होता है वो हटाएंगे 10 दिन बाद, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैं चल पाऊँगी। फिर भी हस्बैंड मतलब मैं थोड़ा सा चलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हस्बैंड को डर लगता है, क्योंकि अगर गिर उड़ जाऊँगी तो फिर से मतलब अगर कुछ हो गया तो, इसलिए मतलब मना किया है। तो इसलिए मैं ऐसे ही बस सोती रहती हूँ, और हस्बैंड गया अभी तो नमाज़ पढ़ने, तो बच्चे भी आएंगे थोड़ी देर बाद, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता मतलब क्या ऑपरेशन हुआ है, क्या हुआ है मुझे, क्या हुआ था वो मैं बता सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन मुझे ना इतना बोलने के लिए मना किया है, इसलिए मैं आज रेस्ट करूँगी, कल आप लोगों से सब शेयर करूँगी मेरे साथ क्या हुआ था, क्यों हो गया मेरे साथ ऐसे अचानक से, ऐसा क्या हो गया। तो चलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, मैं अभी थोड़ा सा सोऊंगी, खाना खा लिया है मैंने, क्योंकि ना खाना खाती हूँ, क्योंकि मैं पहले खाना खाती हूँ, मुझे मेडिसिन खाना होता है, इसकी वजह से मुझे जल्दी खाना होता है। तो चलिए मैं बाद में मिलूँगी आप लोगों से, चलिए ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। तो बच्चे लोग अभी स्कूल से आ चुके हैं, तो खाना खा रहे हैं अभी, हस्बैंड ने बना के, हस्बैंड काम पे चले गए, क्योंकि आप लोग तो पता ही है हस्बैंड घर पे रहते नहीं, काम पे दिन भर बाहर ही रहते हैं, और ये अभी तो मतलब ये घर आते हैं फिर आके खाना बनाते हैं, काम करते हैं, फिर चले जाते हैं दुकान पे, तो ऐसे चल रहा है। तो अभी शाम के टाइम है, तो मेरी बेटी ना ये फ्रिज से सारा सामान निकाल रही है, क्योंकि ये फ्रिज को ना अभी हम लोग सेल कर देंगे, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है, नीचे का मतलब ऊपर का पहले ठंडा नहीं हो रहा था, बर्फ़ नहीं हो रहा था, अभी नीचे का भी ठंडा कम हो गया, तो सारा जो चीज़ था जो अंदर में सब्जी वगैरह सब मतलब ख़राब हो चुका है। तो ये अगर फ्रिज अगर ठीक करना भी हो ना, तो मतलब ठीक करने के बाद भी ना इतना ज़्यादा दिन चलता नहीं है, और फट से कब ख़राब हो जाए वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये फ्रिज ही नहीं रखूँगी, और मैंने हम लोगों ने बहुत साल भी यूज़ कर लिया, इसके वजह से मतलब ये सेल करेंगे, अभी ठीक करेंगे हस्बैंड जाकर दुकान पे, फिर उसके बाद उसको सेल कर देंगे।
अभी ये नहीं रखूँगी मैं, बाद में देखती हूँ। मैं बड़ा वाला फ्रिज रखने की सोच रही हूँ, तो बाद में रखूँगी। अभी अभी ऐसा अभी फ्रिज नहीं लूँगी मैं, कुछ दिन ऐसे ही चलूँगी। कि मेरा भी अभी तबीयत ठीक नहीं है, कब ठीक होंगी कई। अभी हस्बैंड ही खाना बना रहे, तो थोड़ा बड़ा सब्जियाँ लेके ऐसे ही मतलब हम लोग खाना बना के खा रहे, तो फ्रिज का भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। बाद में मैं जब ठीक हो जाऊँगी अच्छे से, तब मैं अच्छा वाला फ्रिज लेके बस घर में लेके आऊँगी। तो वही अभी लेके जाएंगे, हस्बैंड ऑटो में लेके आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग मतलब ये खाली कर रहे हैं। इसमें जो जो सामान है पूरा सामान ख़राब हो चुका है, ठंडा ही नहीं हो रहा है। तो ये देखिए हस्बैंड आ चुके हैं, तो फ्रिज को निकाल रहे हैं बाहर। तो हस्बैंड मतलब नीचे का जो स्टैंड है ना, फ्रिज का स्टैंड, वो बहुत कॉस्टली था, तो वो नहीं सेल करूँगी, क्योंकि वो तो घर में रख दूँगी। मुझे और फ्रिज तो लेके आना है। अगर मैं साइड बाय साइड लूँगी तो मैं वो सेल कर दूँगी बाद में, और अगर मैंने डबल डोर फ्रिज लाऊँगी तो वही लगेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो हस्बैंड अकेले ही निकाल रहे हैं, क्योंकि कोई है नहीं निकालने वाला। अगर मैं होती तो मैं दोनों एक साथ में निकाल देते, लेकिन अभी हस्बैंड को ही निकालना पड़ेगा। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि इतना अच्छा फ्रिज के क्या हो गया, लेकिन फ्रिज अच्छा होने से भी कोई ये नहीं है, अंदर में तो ख़राब होता ही है। और बहुत दिन यूज़ कर लिया ना, इसलिए मतलब अभी ठंडा भी कम हो गया। ठंडा मतलब इसका कूलिंग मतलब कम हो गया, आइस भी नहीं हो रहा है। और मुझे ठीक करके यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए दूसरा वाला ले लूँगी बाद में। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक लाइक एक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ दुआ कीजिएगा मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।